कपड़े पहने हैं भैया, बन ठन के आए हैं, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो रावत जी के फेस पे थोड़ा सा अपना कम आले, बस बस ऐसे ही घूमते बंजारों की तरह हम लोग। और मैं तो हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पलाक, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज मैं जाऊँगी शादी में, और जैसे जो मेरे ससुराल का गांव है ना, उसके पड़ोस के ही गांव के हैं वो लोग, और वो मतलब इधर रेलवे में ही थे। मुझे पूरी नॉलेज थी कि लड़की वाले रेल में है कि लड़के वाले रेलवे में, लेकिन मुझे इतना पता है लड़के वालों की तरफ से हम जाएंगे और गांव के लोग हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी, मैं भी किसी से मिली नहीं, तो मैं भी वहां जाके फर्स्ट टाइम ही मिलूंगी। तो शाम को मैं साड़ी पहनूंगी, तो हम यहां से निकलेंगे करीब 7 बजे। तो मैं हैप्पी हूं, आपको ऐसे परदेश में अपने वहां के मिल जाते हैं तो फिर अच्छा ही लगता है। तो कंटेंट भी मिल गया मुझे ब्लॉग के लिए, तो अब हम वहाँ जाएंगे। तो उससे पहले आज मुझे हेयर वॉश करना है, तो मैं सबसे पहले लगाऊंगी कोकोनट ऑयल, और मैं अपने हेयर पे लगाऊंगी एलोवेरा, और क्योंकि मैं लगाती हूँ वॉश करने से पहले एलोवेरा, क्योंकि मेरे को ना अभी बाल लंबे करने की धुन चढ़ गई है, तो एलोवेरा से बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और पता आपके मेरे मुँह में छोटे छोटे भुनके आ रहे हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। और मैंने ना गर्मी हो गई थी तो फ्रिज में पानी रखा, और मैंने वो पानी पिया ना, तो देखिए मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। तो थोड़ा सा गरारा करूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों पे, एलोवेरा लगा लेती हूँ। बालों से झड़ने भी मेरे को बहुत कम हो जाते हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, इसका ये येलो 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 जो निकल रहा ना, ये नहीं लगाना होता है, तो इसको हटा के उसके बाद में इसका जो भी जेल है अपने बालों में लगा लूँगी। इतनी बड़ी बोतल है मेरी, ख़त्म होने वाली है ये। आपको ये भी क्यों बता दिया? अरे बता दिया, कुछ तो बोलना ही था तो बोल दिया, क्या करें। मैं फटाफट लगा लूँगी। लगा लिया ऑयल, अभी देखिए ये एलोवेरा जेल है, इसे मैं चाकू से ऐसे ऐसे करके बाल में पार्टीशन कर करके मैं इसको लगा लूंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया है और ऑयल भी कर लिया है, उसके बाद 2 घंटे बाद मैं सर धो लूंगी और उसके बाद सीधे मिलूंगी आपको रेडी होकर। हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं पार्टी में, तो रेडी हो गई, और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, और थोड़ा सा दूर है पार्टी, तो मानू भी रेडी हो गई, ये देखिए। तो चलिए, अरे तो चलिए, हम आपसे अब वहीं पार्टी में मिलेंगे। हम वेट कर रहे हैं, और हम कब से मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा था हमको, फिर गूगल आंटी ने हमारी हेल्प करी, फिर हम गूगल आंटी की मदद से पहुँच गए। तो चलिए अभी हम अंदर चलेंगे। तो हम आ चुके हैं शादी में, देखिए तो पहुंच गए हम दोस्तों शादी में, और सब लोग मानो के पापा को देखकर बहुत खुश हुए। मैं तो ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी, फिर थोड़ी देर बाद करने के लिए कुछ नहीं था, तो इन्होंने कहा चलो खाना खा लो, फिर घर भी जल्दी जाना है। तो बस खाना खाने बैठ गए थे हम, बहुत दिनों बाद शादी का खाना खाए। तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, खाने बोल नहीं सकते क्योंकि पता क्या हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है। बस
क्या था, खाना पीना खाया हमने, उसके बाद अभी दुल्हन आई नहीं थी तो हमने कहा था डांस ही देख लेते हैं, तो वहाँ पे डांस देख रहे थे ये लोग, सब लोग देख लीजिए, तो बस डांस देखा, डांस भी कितनी देर देखते बोर हो गए थे, और उसके बाद हमने सोचा चलो अपनी ही बना लेते हैं कि हाँ शादी में आए हैं करके, हाँ कपड़े पहने हैं भैया बन ठन के आए हैं, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो रावत जी के फेस पे पड़ रही थी लाइट, तो मैंने कहा इस तरफ को आ जाइए एक बार, वैसे ही फ्रंट कैमरे से साफ़ नहीं आता, ऊपर से इतनी लाइट में और ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद वीडियो आ जा रहा था। अब मैं चेंज करूँगी ताकि मेरी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अपना कमा ले, बस बस ऐसे ही घूम रहे थे बंजारों की तरह हम लोग। और मेरी तो जान पहचान की कोई लेडीज़ नहीं थी, हाँ एक मेरी ननद की क्लास फेलो मिली थी फ्रेंड, तो उनसे मुलाकात हुई तो वो कह रही थी कि मतलब मान के वापस से भाभी भाई ना 20 साल पहले भी ऐसा था, 20 साल बाद भी ऐसा ही है। तो फिर हम अंदर गए, बाहर गर्मी भी और थी, तो रावत जी ने कहा चलो अंदर बैठ जाते हैं, तत्ता दुल्हन आ ही जाएगी। हम अंदर बैठे, तत्ता दुल्हन आ ही गई थी थोड़ी देर में, आधे घंटे में। तो यहाँ कूलर चल रहा था तो ठंडा भी हो रहा था, अब बोर तो हो ही रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई बातचीत करने वाला ना हो तो। अब रावत जी को तो सब मिले थे गाँव के, तो वो तो बोर नहीं होते। मैं, राहुल और मानू जरूर उड़ते क्योंकि हम लोगों की कंपनी थी नहीं। और थोड़ी देर में दुल्हन आ गई, बस अब दुल्हन और जयमाल ना देखो तो फिर मज़ा नहीं आता है ना, ये चीज़ तो देखनी ही पड़ती है। तो दोस्तों बहुत गर्मी है और हम लोग यहाँ पे बैठ गए थक, और यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो रहा है, अभी दुल्हन आई नहीं है, दूल्हा बैठे हैं, हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया है। तो अब दुल्हन आएगी तो एक बार मैं दुल्हन की वीडियो बनाऊंगी, देन उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारी भतीजी है, उनके ससुर जी हैं और ये डिफेंस में थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि 40 साल हो गए रिटायरमेंट को और ये भी डिफेंस में थी, अपनी नोट बताई इन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और ये देखिए फाइनली दुल्हन आ ही गई, लेकिन दुल्हन आ तो गई, पहली बार तो दुल्हन को इतना लेट कर दिया ना, पार्लर वाले टाइम से तैयार कहाँ करते हैं। और उसके बाद दुल्हन को एक इंच जो आगे बढ़ने देते, फ़ोटोग्राफ़र ना सच में हर चीज़ लेट कर देते हैं, कभी ऐसे कभी वैसे, मतलब ना ये जो फूल की चादर ऊपर कर रखी थी इसको कभी आड़ा कर रहे हैं कभी सीधा कर रहे हैं। अभी क्या होता है ना, लड़की वालों का फ़ोटोग्राफ़र और लड़कों वालों का फ़ोटोग्राफ़र वो एक दूसरे को टेक्निक दिखाने में लग जाते हैं कि मैं बेटर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरी टेक्निक अच्छी है, तेरी टेक्निक ऐसी है। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ देख रही थी इन दोनों फ़ोटोग्राफ़र में ना, एक कह रहा ऐसे करो, एक कह रहा वैसे करो, कभी इसको आड़ा कर रहे कभी तिरछा कर रहे। अरे दूल्हा दुल्हन बेचारे कब से खड़े, कितनी देर खड़ा कर दिया इन लोगों ने, वो देखो वो दूसरा फिर कहाँ बढ़ने दिया, बहुत देर तक नहीं बढ़ने दिया। और साइड साइड में इन्होंने क्या कर रखे थे, अनार लगा रखे थे, वो इलेक्ट्रॉनिक थे, ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे, पता नहीं क्या था, मतलब मोबाइल का कुछ ऑन कर रहे थे, उसके बाद वो जलने थे, लेकिन वो जले ही नहीं, कितनी देर तो उसी में ही लग गया। ऑलरेडी बहुत देर हो गई, मेरे ख्याल से 11 ऑलमोस्ट बज गया था, शादी ब्याह में तो ऐसा होता ही रहता है। खैर, और फाइनली दूसरा फोटोग्राफ़र दूल्हे महाराज जी को नीचे ही ला गए। तो पहले तो ऐसा होता था ना स्टेज में, जब जयमाल होती थी तो वहाँ पे दूल्हा हाथ पकड़ के दुल्हन को चढ़ाते थे, ऊपर वेलकम करते थे। अभी सारे नियम कानून फोटोग्राफ़र के हिसाब से होते हैं, वो जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा। उन्होंने नए नए रीति रिवाज निकाल दिए हैं, ये टाइम से पंडित जी को मुहूर्त से फेरे करने दे वही काफ़ी है। ये देखिए घुमाए पड़े हैं। तो फाइनली फिर थोड़ी देर में इन्होंने दूल्हा दुल्हन को आगे बढ़ने ही दिया, 2-3 कदम सही, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने बढ़ने ही दिया। दूल्हा दुल्हन भी, मैं तो ऐसे कह रही हूँ भैया बहुत थक जाते होंगे, मेरे को तो देखकर ही अजीब हो रहा था। सबसे बेस्ट है मंदिर में शादी करो और पार्टी करो, सबको खिलाओ पिलाओ, छुट्टी। तो फाइनली फ़ोटोग्राफ़र्स ने थोड़ी सी इजाज़त दी कि ये लोग स्टेज में जाएं, तो स्टेज में गए दूल्हा दुल्हन और सच में बहुत सुंदर जोड़ी लग रही थी, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, बहुत सुंदर लग रहे थे दूल्हा दुल्हन। और अब उनकी इनकी जयमाल, तो प्लीज़ आप लोग इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ दीजिएगा, बेस्ट विशेस दीजिएगा। जयमाल हो गई और अब हम यहाँ पे हो रहे हैं बोर, और ये लोग लेकर आए पानी, सब खा पी लिया, सब ख़त्म कर लिया हमारे। अब तो गर्म पानी है भैया, अब बेइज्जती मारने लगे खाने पिलाने वाले भी, गर्म पानी है तो नहीं, ठंडा पानी अलग है, तुम्हें ठंडा अलग लगती है, गर्म है।
तो बस खाना हमने खा लिया था और जयमाल भी संपन्न हो गई थी, फ़ोटो खिंच रही थी, रावत जी और मायरा ने फ़ोटो खिंचाई, फिर उसके बाद रावत जी राहुल को भी लेकर आए, फिर राहुल की भी फ़ोटो खिंचवाई इन्होंने। उसके बाद हमने कहा चलो अब घर वापसी करते हैं, फिर क्या करना था क्योंकि फेरे तक तो हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि सुबह ड्यूटी और मायरा की तो खैर छुट्टी थी। ये रहा मेरा मित्र कैलाश जो कि हमारे साथ में पढ़ाई करता था और हमारी जो भतीजी हुई इनके साथ में, इनकी शादी भी हुई है तो काफ़ी दोनों तरह से हैं हमारे रिश्तेदार हैं, जमाई तो इनकी दीदी भी हमारे गांव में रहती है तो ये भी हमारे चाचा जी हैं। तो जब मैं इनसे मिला तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए, कह रहे यार शादी में आए बहुत अच्छी बात होगी। तो दूल्हा दुल्हन के हो गए फेरे और अब हम फेरे नहीं हुए सॉरी दूल्हा दुल्हन के फेरे हो गए, अब हम तैयार क्या करेंगे, हम जा रहे हैं घर। तो दोस्तों हम भाग जा रहे हैं अपने घर वापस, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी बहुत आगे खड़ी है, हमने सोचा यहाँ पार्किंग नहीं होगी तो हमने बहुत आगे खड़ी कर दी थी, काफ़ी वेन्यू से काफ़ी दूर है। नमस्ते, ठीक है टाइम मिलता तो मैं आता हूँ कल फिर, ठीक है हाँ आइएगा घर आइएगा हाँ अगर टाइम मिलता है कल तो हाँ ठीक है चलो ठीक है बेटा बाय। हेलो दोस्तों, तो आ गए हम घर पहुंच गए और मैं तो गाड़ी में ही सब उतार उतुड़ के आ रही थी, ये देखिए कान के भी साड़ी जो पिनअप करी थी वो भी हटा दी मैंने, मतलब इतनी थकाई लग रही, रात के बज गए 1:30 और इतनी तेज़ नींद आ रही है, फटाफट चेंज करते हैं और हम लोग सो जाते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, अब मिलेंगे आपसे हम कल फिर से नए ब्लॉग के साथ नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।